आज मेरा कुछ आप लोगों को अच्छा खिलाने का दिल कर रहा था, तो मैं एक बढ़िया सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। वो है प्याज की सब्ज़ी। इसे कैसे बनाएंगे उसे सीखने से पहले मैं संपदा शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे हिमाचली शर्मा फैमिली पे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने कुछ प्याज लिए हैं। ये छोटे आकार के प्याज हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप उन्हें बीच से काट के दो टुकड़ों में कर लें। तो देखिए, इस तरह मैंने छोटे छोटे प्याज लिए हैं, उनमें मैंने कट लगाया है, उस तरह ये चार पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। अब मैंने इन्हें बॉल में डाली है। अब हम इन्हें कुछ मैरिनेट करने के लिए सामान डालेंगे। तो मैंने मसाले डालने वाला छोटा चम्मच से दो चम्मच धनिया पाउडर के डाले हैं। उसके बाद मैं इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल एक चम्मच ली है। देगी मिर्च के डालने के बाद बहुत से मसाले इसमें डालेंगे, क्योंकि मैरिनेशन का बन रहा है। इसमें एक चम्मच मैंने जीरे का और आधा चम्मच हल्दी का डाला है। हल्दी डालना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का डाला है, ब्लैक पेपर का डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने एक कटोरी जो है भर के दही की डाल दी है। ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और बिल्कुल घर का बना हुआ है। तो देखिए, अब मैं इन सबको अच्छे ढंग से मिला के एक तरफ कर दूँगी। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, याद रखिएगा। दूसरी तरफ मैंने कुछ दो टमाटर लिए हैं और उनके बीच में मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और पांच लहसुन की कलियाँ। इन्हें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी ग्राइंडर में। और उसके साथ मैं लूँगी एक बड़ा प्याज, मैंने लिया है बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है अपना मनपसंद सरसों का तेल। उसे गर्म होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच सरसों का और दो चम्मच जीरे के। इसे हल्का सा स्टर करेंगे और स्टर करने के बाद ही ये फटाफट जो है वो पक जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी सबसे ज़रूरी चीज़, और वो है प्याज। मैंने इसे बहुत ही फाइनली चॉप किया है, चॉपर में किया है, आप हाथ से भी काट सकते हैं। तो देखिए, अब हम इस प्याज को इस तेल में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो चलिए, इस प्रोसेस को आसानी से करते रहें, आराम आराम से करते रहें। और जब आपको लगे कि आपका प्याज पक रहा है तो उसमें एक चीज़ और डालें, और वो है लाल मिर्च। ये अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ेगी। आप इसे तड़के के साथ भी डाल सकते थे, मैं भूल गई हूँ, तो मैंने इस वक्त इसमें ये दो रेड जो चिली हैं वो ऐड किए हैं। आप इन्हें भी ज़रूर ऐड करें। तो चलिए, अब इसी तरह हम जो है वो मसाले को ज़रा हिला मिला लें। और अब हमें इसमें बाकी भी मसाले डालने हैं, तो चलिए उन्हें भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, मैं फिर मसाले डालने वाला चम्मच ले रही हूँ और इसमें मैंने दो चम्मच डाले हैं धनिया पाउडर के। उसके बाद मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी का और थोड़ी सी हल्दी और डाली है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी इसमें, क्योंकि हम बाद में इसे दही के साथ मिक्स करेंगे। और एक चम्मच देगी लाल मिर्च का। अब हम इन मसालों को अच्छे ढंग से मिला लेंगे। तेल गर्म है, प्याज गर्म है, तो मसाले भी बहुत जल्दी पक जाएंगे। ध्यान से पकाइएगा, ठीक है। अब जब ये आपको लगे कि इन मसालों में से जो है मसाले बनने की, पकने की एक अच्छी सी खुशबू आ चुकी है, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच बेसन का। बेसन हम यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि बाद में हमने इसे दही डालना है, तो अगर बेसन डाला हो तो दही फटता नहीं है। तो चलिए, इस बेसन को भी आप अच्छे ढंग से पहले भून लें। और जब आपको लगे कि ये बेसन जो है वो भुन चुका है, पक चुका है, और ये अपना कच्ची वाली स्मेल नहीं देगा, तो आपको इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा पानी। थोड़े से पानी से मतलब सिर्फ थोड़े से पानी से ही है। देखिए, इसमें मैंने दो चम्मच बड़े जो थे वो पानी के डाल दिए हैं और इसे अब अच्छे ढंग से मिक्स कर लिया है। देखिए, अभी देखने में इस कितना थिकनेस दे रहा है। तो चलिए, अभी इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड कर रहे हैं टमाटर की। जिस टमाटर की मैंने प्यूरी बनाने के लिए कहा था, वो टमाटर की प्यूरी हमने इसमें ऐड कर दी है। और मिक्सिंग जार में बहुत ज़्यादा टमाटर लगा हुआ था, तो उसमें भी हमने उसका पानी डाल लिया है। वेस्ट हम कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए, अब हम इसे भी आपस में मिला लेते हैं। एक दो बार इसे अच्छे ढंग से आप मिला लें और देखिए, मसाला जो है वो टमाटर के साथ पूरा ही हिल मिल चुका है। इस तरह की बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, उन्हें भी जाके कभी ना कभी विज़िट कर लें, अपना फीडबैक कमेंट में दें। अच्छा लगता है मुझे, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और देखिए, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। नमक जो है अपने स्वाद और सेहत के अनुसार करना है, पर याद रखिएगा कि हमने जो मैरिनेट करने के लिए प्याज रखे हैं, हमने उसमें भी नमक नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला था? क्योंकि अगर आप उसमें नमक डाल देते तो दही भी पानी छोड़ देता और प्याज भी।
साथ में ही अपना पानी छोड़ देते, तो हमने उस वक्त उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डाला, तो नमक हमने इसी वक्त डाला है। तो चलिए अब हम इस टमाटो प्यूरी को जो है वो अच्छे ढंग से कुक कर लेते हैं। ढक्कन लग गया है और देखिए ये पकने बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। देखिए अभी भी इसमें काफ़ी कसर है, पर चलिए इसे एक दो बार हम अच्छे से हिला मिला लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आपको बीच बीच में इसको चलाना पड़ेगा। तो चलिए इसे एक बार फिर से ढक देते हैं। एक दो बार ही ढकने से और इसे बार बार देखने से आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल मसाला बन चुका है। देखिए तो मसाले ने किस तरह से तेल जो है रिलीज़ कर दिया है, यानी कि वो स्टेप आ चुका है कि हमें इसमें बाकी जो मटेरियल है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उससे ऐड करने से पहले एक बार से फिर अच्छे ढंग से हम चला लेते हैं। और अब हम इसमें जो है प्याज और दही वाला जो मैरिनेशन वाला सामान था वो सारा इसमें डाल देंगे। अब आपने इसमें दही ऐड किया है तो आपको अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा, जब तक कि इस सारे मटेरियल में एक बॉईल नहीं आ जाता है, अदरवाइज़ दही के फटने की आशंका रहती है। पर अगर हमने इसमें बेसन डाला है तो दही नहीं फटेगा, पर फिर भी केयरफुली इस काम को हमें करना चाहिए। तो देखिए अब जो स्पैचुला है वो बहुत फास्ट फास्ट चलेगा, ठीक है, ताकि एक उबाल आ जाए। और हार्डली दही की क्वांटिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हार्डली 1 या 2 मिनट तक ऐसे स्टर करते करते मसाला जो है वो बिल्कुल उबाले खाने शुरू हो गया है। तो आप इस टाइम पे आप इसे हल्का सा एक दो बार फिर मिला लें और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। पानी की क्वांटिटी आपको अपने अनुसार देखनी है कि आप इसे चावल चपाती के साथ किस चीज़ के साथ खाना है। अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। मैं इसे सिंपल चपाती के साथ खा रही हूँ तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है 2 हरी मिर्चें। जैसे कि पता है मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये हरी लाल मिर्च सब मैं ही खाने वाली हूँ। तो आप देख लें, अगर आपको पसंद है मिर्च डालना तो आप और भी ज़्यादा डाल लें, अगर नहीं डालनी है तो ना डालें। इसे ढक दें और ढक के पकने के लिए इसे कम से कम 5 से 7 मिनट बिल्कुल बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। और 5 मिनट के बाद आप जब देखेंगे इसे खोल के तो नज़ारे कुछ ऐसे होंगे, देखिए जो अभी आपको दिखने लगे हैं। हाँ जी, तो देखिए जो सब्ज़ी है ये अब बन के तैयार है। देखिए ये प्याज किस तरह से खुल गया है, हमने इस पर कट लगा के रखा था तो सारा मसाला इसके अंदर चला गया है, देखिए, और ऊपर से तेल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी और आधा छोटा चम्मच जो है मैंने इसमें गरम मसाला का ऐड किया है। अब ये सब्ज़ी जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फिर हम इसे सर्व भी कर देते हैं, फटाफट पराठा चपाती पूरी बना लें और इसे खाना स्टार्ट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छी आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।